व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 96 इज डिवाइडेड बाय 96। देखो ये क्वेश्चन मैंने एक छोटे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और जहां पे आप अक्सर गलती कर देते हो उसको समझाने के लिए पिक करा है। देखो क्या किया था, देखो क्या कह रहा है, 2 टू द पावर 96 है और यहाँ पे 96 है। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो 96 का फैक्टर क्या आता है, वो आता है बच्चों सिंपली प्राइम फैक्टर 2 और 3। आप इसको लिख सकते हो 2 to the power 5 into लिख सकते हो 3। तो मैक्सिमम टाइम बच्चों को क्या लगता है कि अगर मैंने डिनोमिनेटर में क्या करा 2 to the power 5 लिख दिया और into 3 लिख दिया और न्यूमिनेटर को 2 to the power 5 into कर दिया 2 to the power 91। वो क्या करते हैं 2 to the power 5 को यहां से यहां कैंसिल कर देते हैं और फिर रिमाइंडर निकालते हैं 2 to the power 91 divided by 3। और आपको पता है इसका रिमाइंडर निकालना आसान है, तो आप क्या लिखते हो 3 - 1 to the power क्या है 91 divided by 3। अल्टीमेटली ये रिमाइंडर बचता है -1 to the power 91 divided by 3, दैट इंप्लाई 2। और वो आंसर बोलते हैं कि 2 है। लेकिन यहाँ पे एक फंडामेंटल मिस्टेक है, जब कभी भी आप फैक्टर को कैंसिल आउट करते हो ना तो आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करो लेकिन जो लास्ट में आंसर आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा था तो उसमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसको आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट किया था। तो यहाँ पे 2 into 2 to the power 5 लिखेंगे, दैट इंप्लाई जो अल्टीमेट रिमाइंडर आएगा वो होगा 2 to the power 6, बोले तो 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 64। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब कभी भी आप फैक्टर को कैंसिल आउट करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो सेम फैक्टर से जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।